नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका अपना साथी संतोष शुक्ला। बहराइच, सुहागिनों ने पति की दीर्घायु की कामना के साथ की वट सावित्री की पूजा। जनपद में बृहस्पतिवार को वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए की। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह ये उपवास ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी रखे जाने का विधान है। इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु हुआ, डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। व्रत रखने वालों को माँ सावित्री और सत्यवान की इस पवित्र कथा को सुनना भी जरूरी माना गया है। जहाँ आज के दौर में पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, वहीं सुहागिनों ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ शुरू किया। सुहागिने ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पद के दीर्घ आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसी क्रम में शहर व ग्रामीण अंचलों में सुबह से ही सुहागिने वट वृक्ष के पूजन अर्चन करते हुए देखी गई। उल्लेखनीय हो कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बहुत से घरों में घर पर ही शारीरिक दूरी को बनाते हुए वट वृक्ष की पूजा की गई, जिसमें अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई। मिथिलेश जायसवाल के साथ संतोष शुक्ला की रिपोर्ट, नमो न्यूज इंडिया, बहराइच।